ओम शांति। आज हम 24/1/2022 की मुरली सुनेंगे। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनने के लिए इस थोड़े समय में देही अभिमानी बनने की आदत डालो। क्वेश्चन है, दैवी राजधानी स्थापन करने के लिए हर एक को कौन सा शौक होना चाहिए? उत्तर है सर्विस का। ज्ञान रत्नों का दान कैसे करें यह शौक रखो। तुम्हारी यह मिशन है पतितों को पावन बनाने की, इसलिए बच्चों को राजाई की वृद्धि करने के लिए खूब सर्विस करनी है। जहाँ भी मेले आदि लगते हैं लोग स्नान करने जाते हैं, वहाँ पर्चे छपाकर बांटने हैं, ढिंढोरा पीटना है। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया। ओम शांति। निराकार शिव बाबा बैठ कर बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे देही अभिमानी भव, अपने को आत्मा समझो और बाप शिव बाबा को याद करो। हम आत्मा है, हमको बाबा पढ़ाते हैं। बाबा ने समझाया है, संस्कार सब आत्मा में ही रहते हैं। जब माया रावण का राज्य होता है अथवा भक्ति मार्ग शुरू होता है तो देह अभिमानी बन जाते हैं। फिर जब भक्ति मार्ग का अंत होता है तो बाप आकर बच्चों को कहते हैं, अभी देही अभिमानी बनो। तुमने जो जप तप दान पुण्य आदि किए हैं उनसे कुछ भी फायदा नहीं मिलता। 5 विकार तुम्हारे में प्रवेश होने से तुम देही अभिमानी बन पड़े हो। रावण ही तुमको देह अभिमानी बनाते हैं। वास्तव में अशुल तुम देही अभिमानी थे। फिर से अभी यह प्रैक्टिस कराई जाती है कि तुम अपने को आत्मा समझो। यह पुराना शरीर हमको छोड़ नया जाकर लेना है। सत्य में यह 5 विकार होते नहीं है। देवी देवता जिनों को श्रेष्ठ पावन कहा जाता है वह सदा आत्म अभिमानी होने के कारण 21 जन्म सदा सुखी रहते हैं। फिर जब रावण राज्य होता है तो तुम बदलकर देह अभिमानी बन जाते हो। इसको सोल कॉन्शियस और उनको बॉडी कॉन्शियस कहा जाता है। निराकारी दुनिया में तो बॉडी कॉन्शियस और सोल कॉन्शियस का प्रश्न नहीं उठता है। वह तो है ही साइलेंस वर्ड। यह है संस्कार, इस संगम युग पर ही होते हैं। तुमको देह अभिमानी से देही अभिमानी बनाया जाता है। सत्युग में तुम देही अभिमानी होने के कारण दुख नहीं उठाते हो, क्योंकि नॉलेज है कि हम कौन है, हम आत्मा है। यहाँ तो सब अपने को देह समझते हैं। बाप आकर समझाते हैं, बच्चे अभी देही अभिमानी बनो तो विकर्म विनाश होंगे। यह तो तुमको शिक्षा मिलती है, इससे तुम आत्म अभिमानी बन जाते हो, सदा सुखी रहते हो। सोल कॉन्शियस होने से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं। इसलिए बाबा समझाते हैं, मुझे याद करते रहो तो विकर्म विनाश होंगे। वह गंगा स्नान जाकर करते हैं, परंतु वह कोई पतित पावनी तो है नहीं। न योग अग्नि है जिससे विकर्म भस्म हो। ऐसे ऐसे मौके पर तुम बच्चों को सर्विस करने का चांस मिलता है। जैसा समय वैसी सर्विस। बाबा कहते कितने ढेर मनुष्य स्नान करने जाते हैं कुंभ के मेले पर, सब जगह स्नान करते हैं। कोई सागर पर, कोई बाबा कहते नदी में जाते हैं, तो सबको बांटने के लिए कितने पर्चे छपाने पड़ते हैं। खूब बांटने चाहिए, पॉइंट ही सिर्फ यह हो।
बहनों भाइयों विचार करो, पतित पावन बाप ज्ञान का सागर और उनसे निकली हुई ज्ञान नदियों द्वारा तुम पावन बन सकते हो। वह इस पानी के सागर और नदियों से तुम पावन बन सकते हो। इस पहेली को हल किया तो सेकंड में तुम जीवन मुक्ति पा सकते हो, राज्य भाग्य का वर्षा भी पा सकते हो। ऐसे ऐसे पर्चे हर एक सेंटर छपा ले। नदियां तो सब जगह है ना, नदियां निकलती है बहुत दूर से, नदियां तो जहां तहां बहुत है, फिर क्यों कहते कि इस ही नदी में स्नान करने से पावन होंगे। खास एक जगह पर इतना खर्चा कर तकलीफ करके क्यों जाते हैं? ऐसे तो नहीं कि एक दिन स्नान करने से पावन हो जाएंगे। स्नान तो जन्म जन्मांतर करते हैं, सतयुग में भी स्नान करते हैं, वहां तो है ही पावन। यहां तो ठंडी में कितनी तकलीफ लेकर जाते हैं स्नान करने के लिए। तो उनों को समझाना है, अंधों की लाठी बनना है, सुझाव करना है, पतित पावन आकर पावन बनाते हैं। तो दुखियों को रास्ता बताना चाहिए। यह छोटे छोटे पर्चे सब भाषा में छपे हुए होने चाहिए, लाख दो लाख छपने चाहिए। जिनों की बुद्धि में ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ है उन्हों की बुद्धि काम करेगी। यह चित्र 2-3 लाख सभी भाषा में होने चाहिए, जगह जगह पर सर्विस करनी है। एक ही मुख्य पॉइंट है, आकर समझो कि सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति कैसे मिलती है। मुख्य सेंटर को बोलते एड्रेस डाल लो, फिर पढ़ेंगे व ना पढ़ेंगे तुम बच्चों को त्रिमूर्ति के चित्र पर समझाना चाहिए। ब्रह्मा द्वारा स्थापना जरूर होनी है। दिन प्रतिदिन मनुष्य समझते जाएंगे कि बरोबर विनाश तो सामने खड़ा है। यह झगड़े आदि बढ़ते जाएंगे, मलकियत के ऊपर भी कितना झंझट चलता है, फिर नहीं तो मारा मारी भी कर लेते हैं। विनाश तो सामने है। जो अच्छी रीति गीता भागवत आदि पढ़े होंगे वह समझेंगे बरोबर यह तो पहले भी हुआ था। तो तुम बच्चों को अच्छी रीति समझाना चाहिए कि यह पानी में स्नान करने से मनुष्य पतित से पावन बनेंगे या योग अग्नि से पावन बनेंगे। भगवानुवाच, मुझे याद करने से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। यहाँ जहाँ भी तुम्हारे सेंटर हैं तो विशेष मौके पर ऐसे पर्चे निकालने चाहिए। मेले भी बहुत लगते हैं जिसमें ढेर मनुष्य जाते हैं, परंतु समझेंगे कोई मुश्किल। पर्चे बांटने के लिए भी बहुत चाहिए जो फिर समझा सके। ऐसी जगह खड़ा रहना चाहिए, यह है ज्ञान रतन। सर्विस का बहुत शौक रखना चाहिए। हम अपनी दैवी बादशाही स्थापना करते हैं, यह है ही मनुष्य से देवता अथवा पतितों को पावन बनाने का मिशन है। यह भी तुम लिख सकते हो कि बाबा ने समझाया है, मन मना भव पतित पावन बेहद के बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। यात्रा की पॉइंट भी तुम बच्चों को बार बार समझाई जाती है, बाबा को बार बार याद करो, सिमर सिमर सुख पाओ, कला कलेश मिटे सब तन के, अर्थात तुम एवर हेल्दी बन जाएंगे। बाबा ने मंत्र दिया है कि मुझे सिमरो अर्थात याद करो। ऐसा नहीं है कि शिव शिव बैठे सिमरो। शिव के भक्त ऐसे शिव शिव कहकर माला जपते हैं, वास्तव में है रुद्र माला। शिव और शालिग्राम ऊपर में है शिव, बाकी है छोटे छोटे दाने अर्थात आत्माएं। आत्मा इतनी छोटी बिंदी है, काले दाने की भी माला होती है, तो शिव की माला भी बनाई हुई है। आत्मा को अपने बाप को याद करना है, बाकी मुख से शिव शिव बोलना नहीं है। शिव शिव कहने से फिर बुद्धि योग माला तरफ चला जाता है, अर्थ तो कोई समझते नहीं है। शिव शिव जपने से विकर्म थोड़े ही विनाश होंगे। माला फेरने वालों के पास यह ज्ञान नहीं है
कि विकरण तब विनाश होते हैं जब संगम पर डायरेक्टर शिपावा आकर मंत्र देते हैं कि मामेकम याद करो, बाकी तो कोई कितना भी बैठ शिव शिव कहे विकर्म विनाश नहीं होंगे। काशी में भी जाकर रहते हैं तो शिव काशी कहते हैं काशी में शिव का प्रभाव है। शिव के मंदिर तो बहुत आलीशान बने हुए हैं, यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। तुम समझा सकते हो कि बेहद के बाप कहते हैं मेरे साथ योग लगाने से ही तुम पावन बनेंगे। बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए। बाप कहते हैं मुझे पतितों को पावन बनाना है, तुम बच्चे भी पावन बनाने की सर्विस करो। पर्चे ले जाकर समझाओ, बोलो इनों को अच्छी रीति पढ़ो। मौत तो सामने खड़ा है, यह दुख धाम है। अब ज्ञान स्नान एक ही बार करने से सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है, फिर नदी में स्नान करने भटकने की क्या दरकार है। हमको सेकंड में जीवन मुक्ति मिली है तब ढिंढोरा पीटते हैं, नहीं तो कोई थोड़े ही ऐसे पर्चे छपा सकते हैं। बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। पहेलियां भी जो बनाई है वो सर्विस के लिए है। बहुत है जिनको सर्विस का शौक नहीं है, ध्यान में नहीं आता है कि कैसे सर्विस करें। इसमें बड़ी अच्छी चमत्कारी बुद्धि चाहिए। जिनको जिनके पैरों में देह अभिमान की कड़ी जंजीरें पड़ी है वह देही अभिमानी बन नहीं सकते। समझाया जाता है यह जाकर क्या पद पाएंगे, तर्स पड़ता है, सब सेंटर में देखा जाता है कौन कौन कैसे पुरुषार्थ में दिखे जाते हैं। कोई तो अक के फूल भी हैं, कोई गुलाब के फूल भी हैं, हम फलाने फूल हैं। हम बाबा की सर्विस नहीं करते तो समझाना चाहिए हम अक के फूल हैं, जाकर के क्या बनेंगे। बाबा तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं ना, तुम हीरे जैसा बनने का पुरुषार्थ करते हो। कोई तो सच्चा हीरा है, कोई काले जुंजार भी हैं, हर एक को अपना ख्याल रखना चाहिए। हमको हीरे जैसा बनना है, अपने से पूछना है हम हीरे जैसा बने हैं। अच्छा मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का यार प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है देही अभिमानी की कड़ी जंजीर काट। देही अभिमानी बनना है, सोल कॉन्शियस रहने का संस्कार डालना है, सर्विस का बहुत शौक रखना है, बाप समान पति से पावन बनाने की सेवा करनी है, सच्चा हीरा बनना है। वरदान है कर्म करते हुए न्यारी और प्यारी अवस्था में रहे, हल्केपन की अनुभूति करने वाले कर्मातीत भव। कर्मातीत अर्थात न्यारा और प्यारा, कर्म किया और करने के बाद ऐसा अनुभव हो जैसे कुछ नहीं किया, कराने वाले ने करा लिया, ऐसी स्थिति का अनुभव करने से सदा हल्कापन रहेगा। स्लोगन है सर्व प्राप्तियों से सदा संपन्न रहो तो सदा हर्षित सदा खुशी और खुश नसीब बन जाएंगे। लवलीन स्थिति का अनुभव करेंगे, जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता हो उसी संबंध से भगवान को अपना बना लो। दिल से कहो मेरा बाबा और बाबा कहे मेरे बच्चे, इस स्नेह के सागर में समा जाओ। यह स्नेह छत्र छाया का काम करता है, इनके अंदर माया आ नहीं सकती। ओम शांति।